भी बनते मंगल हो। बनते। मेरा ये प्रश्न है कि पदम परम किसे कहते हैं फिर? पदम परा वो व्यक्ति होता है जिसको कैसा होता है कि जो इस जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता, जिसका दो हेतु तो प्रतिसंधि चित्त होता है या अहेतुक तो जो प्रतिसंधि होता है वो उस प्रकार का व्यक्ति। इस प्रकार ऐसा तो व्यक्ति बताना कठिन है ना, पर क्योंकि अभी हम जिस समय में उस समय में मोस्ट ऑफ लोग कैसे ते हेतुक प्रतिसंधि है। हम अभी अभी मोस्ट ऑफ लोग विद्वान है, पर विद्वान है पर श्रद्धा ना होने के कारण मुक्त नहीं हो पा रहे है ना। हम भी ज्यादा धर्म को अच्छे समझ सकते हैं गंभीर तरीके से, पर समय वैसा नहीं कि हम धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। तो पद्मपरा व्यक्ति जो थोड़ा सा आलसी वगैरह होता है, पर उसको बता नहीं सकते, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वो कैसा है, पर मोस्टली उतना बुद्धिमान नहीं होता है पद्मपरा व्यक्ति। तो बनते आजकल का हम लोग व्यक्ति पद्मपरा कितने व्यक्ति बोल टाइम सकते हैं हम, से? अच्छा, पद्मपरा व्यक्ति है पर फिर भी उसमें तेतुक प्रतिसंधि है। आज के मोस्ट ऑफ लोग बहुत बुद्धिमान है पर पद्मपरा टाइप व्यक्ति है। ओके। तो हम लोग जो है पद्म वो किस में आएंगे फिर? नियम में आएंगे या पदम परम परा हम लोग चाहे अगर धन चीत में? से अभ्यास करें, एकांतवास वाला पकड़े, बराबर अच्छे कर से करें, तो हम भी फिर कम से कम नहीं में तो आ सकते हैं। ओके ओके, अभी धन्यवाद अभी बंते। हाँ, लोग होते हैं ना, कम से कम सोतापत सकुर्दगामी अनागामी भी होते ही होंगे। हमारे बौद्ध राष्ट्र की, हमारे हमारे भारत की सबसे बड़ी सबसे गंदी आदत ये, सबसे गंदी उपासकों में, उपासकों में नहीं जी, बट ठीक है बोल रहा हूँ, उपासकों में सबसे गंदी आदत है कि हमारा एकमात्र ऐसा बौद्ध राष्ट्र मतलब उपासक है जो बाहर के भिक्षुओं को अच्छा समझते और अपने देश के भिक्षुओं को गलत समझते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई बौद्ध राष्ट्र नहीं होगा, चाहे वो चीन हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, उनकी सबसे प्रथम प्राथमिकता उनके देश के भिक्षुओं को रहती है, भले वो कैसे भी क्यों ना होंगे, क्योंकि जानते कि धर्म किसी भी राष्ट्र में धर्म किसी बाहर के भिक्षु कारण नहीं बसता है, बल्कि वहां के भिक्षुओं के कारण बस सकता है। वही वहां के भिक्षु उस देश में उस धर्म की उन्नति कर सकते हैं, बाहर का भिक्षु नहीं कर सकता है। इसलिए भी जब म्यांमार में आपको अगर आप एक बार वो किताब पढ़िएगा, और नहीं तो कम से कम लास्ट के चैप्टर्स पढ़िएगा उस किताब से, अपनी राहुल सांगुरत्यान की पाली साहित्य का इतिहास, लास्ट के चैप्टर पढ़िएगा उस, उन्होंने बहुत अच्छा बताया मतलब दिया है उदाहरण कि एक समय ऐसा था कि थाईलैंड में धर्म खत्म होने पे आ गया था, तो उन्होंने श्रीलंका से भिक्षु मंगाए, ठीक है, श्रीलंका से भिक्षु क्यों मंगाए, ताकि वहां पे भिक्षुओं को उपसंपदा दिला सके, क्योंकि सामने थे सिर्थ, तो उपसंपदा के लिए श्रीलंका से बोला और वहां के थाईलैंड के भिक्षु को ट्रेन किया। फिर एक समय ऐसा है कि श्रीलंका में धर्म डूबने पे आ गया था, तब थाईलैंड से भिक्षु बुलाया गया और फिर वहां पे वहां के भिक्षु को उपसंपदा दी गई। ऐसा दो तीन बार हो चुका है थाईलैंड और श्रीलंका में आपस में ये। ओके। तो धर्म कहीं भी अगर आपको मुक्त तो होना है, भारतवासियों को मुक्त तो होना है, तो उनके लिए भारतीय भिक्षु है। थाईलैंड के लोगों को मुक्त तो होना है तो उनके लिए उनका सिर्फ थाईलैंड के भिक्षु से हो सकते हो लोग, श्रीलंका के उपासक श्रीलंका के भिक्षुओं से, मैं पूरा 100% श्योर नहीं कह रहा हूँ, पर क्या हो सकता है कि वो उनकी भाषा में धर्म समझेंगे उनसे, है ना। भाषा जो है वो स्वयं की होनी चाहिए, पराई भाषा में आप धर्म उतना नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसे तो बुद्ध ने कहा ना, तुम अपनी अपनी भाषा में धर्म समझाओ, तो ये बात होती है। तो आपके मुक्ति के रास्ते आपके ही देश के भिक्षुओं से हो सकते हैं, बाहर के देश के भिक्षुओं से, है ना। साधु 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 बनते। खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये पूछना था कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है और जो धम्म का आचरण वगैरह जो है, मीन्स साधना वगैरह, उसमें बैलेंस कैसे बना के रखना? क्या क्या बैलेंस कैसे बनाए, मतलब मैं बहुत एकदम अगर धम्म में लग गई तो उसमें ही लग जाती, या फिर एजुकेशन लाइफ में लग गई तो उसमें ही लग जाती, तो मुझे वो मेंटेन नहीं करते आ रहा। देखिए वो तो श्रद्धा मेंटेन नहीं, इसका मतलब आपके वो श्रद्धा के कारण हो रहा है तो ठीक है ना, आप नहीं, उसके मुझे ऐसा लगता है कि वो मेन जो उसमें प्रॉब्लम जो है श्रद्धा है जो बराबर आपकी मैर बैलेंस नहीं, या फिर श्रद्धा क्या हो जा रही है एकदम ओवर हो जा रही है उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो अब श्रद्धा को सावधान, धर्म तो परम होता ही है,
समस्या धर्म की नहीं हो रही, बस समस्या हो रही है आपकी श्रद्धा की। श्रद्धा को बराबर बैलेंस देखें, पर श्रद्धा को बैलेंस कीजिए तो बराबर हो जाएंगे। मतलब कैसे करना फिर? श्रद्धा को कैसे बैलेंस करें? उसके लिए जो 5 बातें बताई गई ना, श्रद्धा, वीर, स्मृति, सती, संभु, जो बताया गया है, उसका अभ्यास कीजिए, उसका अभ्यास करना शुरू कीजिए। श्रद्धा युक्त चित्त है तो आप वो कम्मठान में देखिए श्रद्धा के लिए कौन सा कम्मठान अच्छा है, उसका अभ्यास कीजिए। ठीक ओके, बंदा में बनते। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हेलो, हाँ बोलिए, वंदा ही बनते जी। बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया अजातशत्रु, जैसे उनका जो पुत्र है वो बुद्ध होगा, है ना? तो उनका जो पुत्र है उसका मतलब नाम क्या है? अजीत नाम था ना उसका। अच्छा, अजीत नाम था, है ना? और एक प्रश्न है, जो नये चित्त आप बताए उसको थोड़ा सा फिर से समझना है। नहीं, चित्त में, नहीं, चित्त जो होता है वो व्यक्ति को क्या है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, उस सुत्ता का ध्यान साधना करनी पड़ती है, उसको डिटेल में समझना पड़ता है, एक बार में नहीं होता उसको। फिर ऐसा बार बार अभ्यास करने, अध्ययन करने के बाद, लगातार चित्त उधर लगाने के बाद, उसे कम से कम 10-20 साल या 30 साल के अंदर वो कम से कम सोतापति होने की संभावना रहती है उसकी। ठीक है बंटी जी। साधु साधु साधु। नेक्स्ट। बंदा भी बंटी जी। मंगल हो। बंटी जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो मुझे जानना था कि प्रज्ञा क्या है, और दूसरा क्वेश्चन था कि मतलब जब हम ध्यान करते हैं उस समय में बिल्कुल इतनी जोर जोर से मुझे आवाज आती है कानों में कि दूसरी तरफ में जाता ही नहीं ध्यान, सांस वगैरह से ध्यान हटके, जैसे थोड़ी देर 2 मिनट 4 मिनट में ही है तो बिल्कुल कानों में बहुत जोर जोर से आवाज आती है कि झूला टाइप में, कहीं मतलब सन सन टाइप में, तो इससे कैसे क्या करें? वो आपके यहाँ से कुछ कर्म विपाक हो सकते हैं, उसे अगर आपको ध्यान साधना प्रॉपर हो नहीं रही। इसके अलावा मेरा प्रज्ञा पे ऑलरेडी बताया है कि लेक्चर दिया है मेरा प्रज्ञा क्या होता है, तो आप एक बार वो सुन लीजिएगा। प्रज्ञा के कई सारे अर्थ होते हैं, उसको समझाना कठिन, मैं अलग से लूंगा कि प्रज्ञा क्या होती है, उस पर अलग समझाऊंगा, अभी तो बता नहीं सकता। पर जो आपका जो दूसरा था कि जो कान वगैरह में आवाज आ रही, तो शायद आपका कर्म विपाक हो सकता है, जिसके कारण आपको ध्यान साधना में, आपने किसी को किसी प्रॉब्लम की होंगी अपने पूर्व जन्म में ध्यान साधना करते समय, इसलिए वैसा आपको हो रहा होगा। और समता पुष्ट करने का कीजिए, नहीं तो आंखें बंद करने करके भाव, आंखें बंद कर वाला ध्यान मत कीजिए, कोई कम्मठान लीजिए, जैसे बुद्धानुस्ति, धम्मानुस्ति, संघानुसति, ऐसी कोई सती लीजिए, नहीं तो मैत्री का अभ्यास कीजिए, नहीं तो फिर आप जो 10 पुण्य कर्म होते में जो भावना है, जो 4 ब्रह्म विहार है, उसका अभ्यास कीजिए। साधु साधु साधु। वंदा भी बनते जी। कोटि कोटि वंदन पूजनीय बनते जी। मंगल हो, कैसे हो अभिषेक? अच्छा बनते जी, आज का धर्मदेश मुझे बहुत अच्छा लगा। साधु एक्चुअली मैंने साधु पहले साधु भी सुना था, और जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार अच्छा लगता है। बनते साधु। जी, मेरी एक समस्या है। एक्चुअली मैंने आपको तो बताई ही है कि मेरी कुछ मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स है। बनते जी, मेरे से गलतियां होती रहती है, बड़ा ग्लानी महसूस होता है। बंटी जी, मैंने एक बार मैसेज किया था आपको और फिर बुरा लगता है। दूसरा बंटी जी, मैं करना चाहता हूँ, मैं तैयार भी रहता हूँ, पर आंतरिक भावना एक पता नहीं कैसी उमड़ जाती है जिससे अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं इतना अंदर से रोने लगता हूँ कि मन करता है कि भाई किसी काम का नहीं। फिर ये भी दिमाग में आता है कि फिर ये लाइफ चली गई तो फिर क्या ही कर लूंगा। बंटी जी, मैं सही बताऊं तो इतने दिनों में मैं इतना परेशान था कि मेरे को कई बार आया दिमाग में कि मैं सुसाइड कर लूं। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। फिर नहीं, कैसा हो रहा है कि देखो, एक लाइफ चीज के, लाइफ के प्रति एक बात पूरा आपको फिक्स करना है कि मुझे पोषण है अपने आप में। दूसरा, गलतियां करने वाले की एक बात, ज्यादा गलतियां करता है ना, उसकी एक बात बहुत अच्छी होती है, वो बहुत क्षमाशील होता है, उसमें द्वेष लंबे समय तक नहीं रहता, और किसी के प्रति द्वेष भी रख नहीं सकता, वो दूसरों में गलतियां बहुत कम ढूंढता है, जो खुद गलतियां करता है, बहुत ज्यादा करता है। गलतियां ज्यादा करने वाले का, वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर होता है, याद रखिएगा, क्योंकि मेरा खुद का वैसा व्यक्तित्व है, मैंने खुद ने बहुत बहुत गलतियां की है,
और उसका मेरा एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने ऐसे लाइफ में कैसे कई सारे लोग देखे हैं जो तो माफ नहीं करते, लोगों को माफ नहीं कर पाते, ऐसे कैसे क्या। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि लोग सालों साल अपनी माँ से बात नहीं करते, उनकी माँ आखिरी सांस ले रही है पर बेटा मिलने के लिए नहीं आ रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये वही लोग होते हैं जो लोग गलतियां नहीं करते, क्योंकि लोग गलतियां नहीं करते तो उनकी दूसरे से भी अपेक्षा होती है दूसरे ने भी गलती नहीं करना चाहिए। जी बंटी जी, तो आप गलतियां करें, यू आर लकी पर्सन कि आपका व्यक्तित्व कभी भी उतना अहंकारी नहीं होगा, आप बहुत क्षमाशील होंगे, सौम्य होंगे। बहुत बहुत फायदे होते हैं गलतियां करने के, मैं उसमें से। हाँ एक बात है कि अगर सामने वाला उतना अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति नहीं होगा तो आपको छोड़ देगा, ऐसा हो जाता है कि सामने वाला भी तो अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति नहीं होगा, वो क्षमाशील नहीं होगा तो छोड़ देगा, आपकी इस बात को समझ नहीं पाएगा। लेकिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी दूसरों को देखने में, दूसरे लोगों को देखने में, इट्स अ बेस्ट गुड थिंग। जी जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा आप समाशील होते हो, नम्र होते हो, विनम्र होते हो। मेरे खुद के गुरु मुझे कहते थे खेमदमो भरते जी, अगर कोई किसी को पता होगा तो मुड़ावा के है, तो अक्सर बोलते शिवली कोई इतनी गलतियां कैसे कर सकता है, बोला भंते जी मैं करता हूँ क्या करूँ अभी। पर उसका बहुत अच्छा मेरे लाइफ में एक रहा है कि लोगों को देखने का नजरिया, कभी ऐसा नहीं किया कि लोगों ने शीलों के प्रति, अगर जो मेरा नजरिया रहा बहुत बहुत चेंज हुआ उसके कारण, शीलों को लेके भी और कई सारी बातों को लेके। इट्स अ गुड पॉइंट, उसको पछतावा मत होने दो, ठीक है ना। ये बात जी याद रखो, बंटी जी, अपने आप में कैसे पॉजिटिव बसते हैं, गलती करे ठीक है मुझसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इतना। ओके बंटी जी एक्चुअली मेरे मन में ना ऐसे, बंटी जी मेरे को रोकने वाला अगर मैं देखूँ ना तो मैं खुद ही होता हूँ। मैंने देखा है एक्चुअली, मैं इतना एनालाइज कर लेता हूँ हर चीजों को, मुझे पता होता है कि मैं कहाँ रुक रहा हूँ। एक्चुअली बंटी जी मेरा हेडफोन थोड़ा अच्छा नहीं है तो आवाज अच्छे से नहीं आ रही होगी। कोई नहीं आ रही आ बंटी रही जी ऐसा है ना कि मैं मतलब पूरे जोश के साथ कोशिश करता हूँ और काफी अच्छा कर भी लेता हूँ, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, कोई कोई रीजन नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, किसी ने कुछ नहीं बोला, बाहर से कुछ हुआ नहीं, अंदर से ही एक ऐसा भाव निकल के आता है जो कि मतलब तोड़ देता है मेरे को। अब अंत मेरे पास भी कुछ ऐसा ही रहा है जिसकी हाँ। वजह से मतलब आई मैं नो आई नो। डरा डरा वो रहा हूँ मैं। हाँ वो कैसा है कि वो चरिया बन गई है, वो कैसा है कि एकदम टॉप पे जाने पर एंड पे जाने के वो अपने आप आपको अनुभूति वैसे आएंगी, पूर्व के कुछ संस्कार आपके बन चुके हैं, जैसे आपने गोल के पास पहुंचोगे जैसे कुछ अच्छा होने वाला होगा, उसके पहले एक स्टेप पहले ही वो आपके साथ आपके अंदर से कुछ अलग हो जाएगा, पर आपके पास समझ नहीं होंगी डर के आगे जीत है, वो लास्ट जी स्टेप बंदी आपको जी, अच्छे से लेनी होगी, है ना, बंदी जी वरना उसकी गांधी बन के रह हिम्मत जाएंगे कि छोटे से आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन तक लेके गए, पर जब वो बस एक स्टेप लेना है और आंदोलन सक्सेसफुल होना है वो स्टेप आप ले नहीं पाएंगे, बट यू हैव टू स्टिल इट टेक टाइम, कई तरीके से आपको कंटेम्पलेट करना पड़ेगा, अच्छे विचार करना पड़ेगा, पर समझ लेगा, धर्म सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए, कल्याण मित्र के संसर्ग में आइए, उनके संगति कीजिए, ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे आपके। जी बंटी जी, बंटी जी दो छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। बंटी जी पूछिए कल्प की उपमा, एक कल्प की उपमा, और ऐसा नहीं एक असंख्य की मतलब कितना उसकी उपमा कुछ हो सकती है क्या बंटी जी, कि एक हाँ असंख्य कुलगप, यानी कितना मेरा होता कल्प है? पे लेक्चर हुआ है, आप बिल्कुल सुनिएगा, मैं ये कल्प पे दिया है लेक्चर, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कल्प पे, आप वो सुनिएगा आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। जी बंटी जी, बंटी जी एक लास्ट क्वेश्चन है बंटी जी, मैं एक्चुअली मातंग मुनि की मतलब एक स्टोरी पढ़ रहा था, किसकी मेरे किसकी को मातंग मातंग मुनि की, मातंग ऋषि, मातंग ऋषि की, मातंग ऋषि, ऋषि मातंग मातंग, ऋषि, मातंग ऋषि। तो ओके बंदी जी मेरे वहां पे मतलब अब मेरे कुछ क्लियर मिल नहीं रहा था, मेरे को कई जगह दिख रहा था, स्टोरी तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को, लेकिन मैं श्योर नहीं था। एक्चुअली बंदी जी मैं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में रहता हूँ कि ये महायान से है या फिर थेरवाड़ा से है, क्योंकि मैं जब से आपको सुन रहा हूँ तब तो मैंने देखा है कि मायान में, मायान वजन को मैं छोड़ के चलता हूँ, उसका एक ही रीजन है मंत्री जी, उसमें बहुत सारी चीजें थोड़ी मिक्स है, वो मैं वेश बिल्कुल नहीं बिल्कुल करता लेकिन स्पष्टता नहीं होती है, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है मेरे को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मंत्री जी, कि उसमें एक और चीज, वो बोधिसत्व ही थे क्या, ऐसा उसमें लिखा हुआ था, इसके बारे में कुछ देखिए कैसा हो जाता है कि थेरवाद के बाहर जितने भी शिक्षाएं हैं उन सब लोगों ने क्या कर दिया कि जी परिभाषाएं बदल दी है, परिभाषा बदलने के कारण उनके लिए बोधिसत्व के अर्थ ही बदल गए हैं, तो जो भी ऐसे इसके बाहर होगा मैं तो उसके वो संकल्पना को स्वीकार नहीं करता।
मैं सिर्फ थेरवादा के बोधिसत्व की संकल्पना को स्वीकार करता, तो मुझे लगता नहीं कि वो हो सकते हैं। बंदी जी, ये बंदी जी, एक और चीज लास्ट पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली वो स्टोरी मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मैं ढूंढते रह गया कि किस सूत्र में है, लेकिन बहुत सर्च किया कहीं मिल ही नहीं रहा था। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ आ रहा था। बंदी जी अगर आप इस पे आए तो फिर मुझे थोड़ा सा क्लियर क्लियर करने की कोशिश, ठीक है, कभी अगर थोड़ा तुमको मिले सा तो मुझे शेयर करना, मैं जरूर पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, जी बंदी। थैंक यू बंदी, बहुत वेलकम। पसंद।